तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में पंचायत में ग्राम सभा से नियुक्ति हो रही है? जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार कृषि विभाग में सीधी भर्ती शुरू है, जिसका समय आपको बता दें कम है। पद की बात करते हैं तो कृषि सचिव का पद है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो जल्दी करें, कैसे आवेदन करना है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर जमा करना है, सारी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ जहाँ पे लिखा गया कि पंचायत में सो बात। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि चयन का आधार जो होगा पंचायत के परियोजना क्षेत्र में आयोजित ग्राम सभा में सचिव के मेगा सूची पर विमर्श एवं अनुमोदन प्राप्त कर सचिव के चयन प्रक्रिया अंतिम रूप दी जाएगी। यानी कि पंचायत में हो रही है चयन, सचिव को बताया गया कि 5,000 रुपये मात्र मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। तो ये रहा बात। चलिए मैं आपको कौन कौन सा जो प्रखंड पंचायत में आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी जो है इसके बारे में कहाँ से निकल के, सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कब तक इसका लास्ट डेट है और भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि कार्यालय सहायक निदेशक भूमि संरक्षण पटना। भूमि संरक्षण के पता होगा आप सबको, काम चल रहा है भूमि संरक्षण का, तो यही शायद लगता है उसी का होगा, भूमि संरक्षण पटना। और PRA यहाँ पे दिया गया है कि कमरा नंबर दिया गया है 113 रसायन भवन मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र पटना। तो ये बात आप समझ गए कि कहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है, यहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया कि सहायक निदेशक भूमि संरक्षण पटना स PIAWDCPMKSY 2.0 द्वारा केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास अंतर्गत पटना जिले के जल छाजन समिति के जो हो गया सचिव पदों पर मासिक परिश्रमिक के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन। बताया गया कि विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है, ऑनलाइन नहीं लिखा, ऐसे बताया गया कि विहित प्रपत्र आमंत्रित किया जाता है। तो कैसे आपको आवेदन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो ऑफिस कहाँ पर है। तो आवेदक बताया गया कि विहित प्रपत्र में आवेदन कार्यालय सहायक निदेशक, ये एड्रेस है सस्य भूमि संरक्षण पटना SPIAWDCPMKSY 2.0 ग्राउंड फ्लोर कैमरा 213 रसायन भवन मीठापुर पटना में पड़ता है, मीठापुर वहाँ पे मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र पिन नंबर यहाँ पे दिया गया है से कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर आप जमा कर सकते हैं या उक्त पत्र पर निबंधित डाक से भेज सकते हैं, यानी कि उसको आप पोस्ट के द्वारा, बाय पोस्ट के द्वारा भी आप इसे भेज सकते हो। कब तक भेजना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दो कि ये बताया गया है कि जल छनाजन समिति के सचिव के लिए अर्हताएँ, तो वहाँ पे योग्यता बता देता हूँ सबसे पहले। तो सचिव चयन होती न्यूनतम जो बताया गया है शैक्षणिक योग्यता आपको BCom होना चाहिए, यानी कि तो BA में कॉमर्स के साथ पढ़ना चाहिए या फिर BSc BA में साइंस के साथ या फिर BA यानी कि 8 लेकर पढ़े उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि तीनों विषय से आप किसी भी विषय में साइंस कॉमर्स आप किसी विषय से हैं आप तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि BCom अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो कॉमर्स विषय से BA पास किए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बताया गया कि अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने पर ICom ISc IA उत्तीर्ण आवेदकों पर जो उसकी क्रम में विचार किया जाएगा, यानी जो हो गया वो नहीं मिलेंगे BA वाले आवेदन जो नहीं करेंगे उसको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो इंटर वालों को यहाँ पे दे दिया जाएगा। यानी कि इंटर वाले भी है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, इंटर है किसी विषय से साइंस कॉमर्स आर्ट्स वो लोग भी या फिर आप BA पास से किसी विषय से दोनों लोग इसका लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी क्या तो इंटर और ग्रेजुएशन पास। चयन प्रक्रिया में किसी वर्ग विशेष का प्राथमिकता देर नहीं होगा। बताया गया है कि अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु बताया गया है कि विज्ञापन की तिथि से न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। बताया गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित जल छाजन पोषण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी ये बात बताया गया कि जल छाजन पोषक क्षेत्र का स्थायी
निवासी होना चाहिए, वहाँ के निवासी होना चाहिए। इसके लिए मतलब दूसरा पंचायत के लोग दूसरे पंचायत में नहीं कर सकते। इसके लिए बताया गया है कि समक्ष अपराधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र 6 महीना के अंदर वाला निर्गत एवं मतदान पहचान पत्र की छाया प्रति जिससे अभ्यर्थी का वार्ड संख्या ग्राम पंचायत बताया गया ग्राम एवं पंचायत का नाम अंकित हो आवेदन के साथ जमा करना होगा। सभी तरह के जनप्रतिनिधि के परिवार रिश्तेदार के सदस्य इस पद के लिए अयोग्य होंगे। तो जनप्रतिनिधि जैसे कि वार्ड वगैरह वार्ड सचिव यानी कि जो भी नेता वगैरह है वो लोग के माने कि परिवार के जो लोग वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। इसका सैलरी जो है 5,000 दिया जाएगा। ये था मेन बात जो मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर भी एड्रेस दिया गया, मैं आपको एड्रेस बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं इसका डेट कब तक है और उसमें कौन कौन सा पंचायत है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 8 फरवरी 2022 तक बताया गया, वो तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग की तिथि भी यानी कि फटाफट यहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगा, कोई भी टाइम वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पर काउंसलिंग का डेट भी दिया गया है और बंधित मेगा सूची का प्रकाशन का भी डेट दे दिया गया है। आपत्ति जो है दबाव आपत्ति की तिथि यानी कोई भी आपको आपत्ति है तो उसके लिए आपको दिया गया है। अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन 21 फरवरी तक यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर अच्छा बात है, यहाँ पर आते हैं तो प्रोजेक्ट का नाम बताया गया है, प्रखंड का नाम मसौढ़ी, प्रखंड का नाम पंचायत का नाम यहाँ पे दिया गया है। सबके यहाँ पे कितना कितना सीट है वो यहाँ पे डेट वगैरह ग्राम सभा का जो तिथि कब कब यहाँ पे होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो 22 फरवरी का यहाँ पे 22, 23, 24 फरवरी का यहाँ पे आम सभा होगा, उसमें उसको नियुक्त किया जाएगा। तो यही सारे जो प्रखंड या पंचायत के जो निवासी वो लोग को ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। आप सोचिएगा अदर जिले के लोग हैं या इस पंचायत का नाम आप देख लीजिए, प्रखंड का नाम और उस पंचायत का, अभी इससे बाहर का लोग है अलग जिले से है बिहार से, तो उसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है न्यूज नोटिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो के लाइक एंड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर मेरा सेकेंड चैनल का लिंक दिया गया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।